अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं 5 स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज जिनकी फेल होने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। ये बिजनेसेस आज भी बहुत डिमांड में है और आगे भी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस जिसकी हम बात करेंगे वो है टीचिंग या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब टीचिंग सुन के इस पार्ट को स्किप मत करिएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ही कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको दूसरों को सिखाकर पैसा कमा सकते हैं। मैं यहां स्कूल और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने ही की बात नहीं कर रहा हूं। आप योगा, डांस, पेंटिंग, ड्राइविंग या कोई और भी स्किल दूसरों को सिखा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। इंडिया की दो खास बातें हैं, एक हमारा कल्चर और दूसरा खाना। जी दोस्तों, फूड शॉप या फिर आज के टाइम की बात करूं तो स्नैक शॉप्स दोनों बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज हैं। इंडिया के हर नुक्कड़, हर गली में आपको एक नए खाने की दुकान जरूर मिलेगी और सभी अच्छे से चल भी रही होंगी। फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज भी बढ़ रही है और हर दिन भी बढ़ेगी। गोलगप्पे वालों को ही देख लो, उनकी फैन फॉलोइंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता बॉस। अगला प्रोफेशन है टूर गाइड। अगर आपको घूमने घुमाने का बहुत शौक है तो आप उसको भी अपना प्रोफेशन बना सकते हो। आप चाहे इंडिया के किसी भी शहर में रहते हो, वहां घूमने की जगह ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी नई जगह जाके एक गाइड की जरूरत हर टूरिस्ट को होती है, वहां का कल्चर समझने और लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। इस बिजनेस को आप आगे स्केल भी कर सकते हैं अपनी खुद की टूर एजेंसी बना के। इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगती है और इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। तो बस लोगों को अपना शहर घुमाइए और टूर गाइड बन के पैसा कमाइए। अब बात करते हैं 4th बिजनेस आइडिया की, जिसमें बाकी बिजनेसेस के मुकाबले थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। वो है स्टेशनरी। स्टेशनरी की जरूरत एक बच्चे से लेके कंपनीज जैसे कि खाता बुक, अमेज़न, यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी रहती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बिजनेस में कंपटीशन कम और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा। अब स्टेशनरी में सिर्फ पेन, पेंसिल या नोटबुक्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें आती हैं, पर उन चीजों का आपको स्टॉक इकट्ठा करके रखना तो पड़ेगा ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। और स्टॉक रखने के लिए आपको चाहिए फंड्स। अगर आपको फंड से रिलेटेड इश्यू है तो चिंता मत करिए, हमारे पास उसका भी सलूशन है। अगर आप एक खाता बुक यूजर हैं और आपके पास अपने बिजनेस में लगाने के लिए फंड्स कम पड़ रहे हैं तो आप खाता बुक ऐप पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सबसे सिंपल प्रोसेस है। चलिए जानते हैं खाता बुक से लोन लेने की खास बात क्या है। खाता बुक ऐप को यूज करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको लोन लेने के लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने पर अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जिसे आपको केवल 2% पर मंथ इंटरेस्ट रेट पर चुकाना होता है। और तो और, इसमें कोई पेपर वर्क का झंझट भी नहीं है। इसके साथ आपको इजी डेली रीपेमेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं। और जिस बात की आपको सबसे ज्यादा चिंता है तो मैं बता दूं कि इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। तो अभी डाउनलोड कीजिए खाता बुक ऐप को, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आ जाते हैं 5th बिजनेस आइडिया पे, जो है कॉस्मेटिक्स। आजकल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी अपनी स्किन को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड हर वक्त बढ़ती ही जा रही है। कॉस्मेटिक शॉप में मेकअप से लेकर स्किन केयर जैसे कि मास्क, सीरम्स, लोशन की अलग अलग वैरायटी बेची जा सकती है। अब सब लोग तो ब्रांडेड सामान नहीं खरीदते तो वो इन कॉस्मेटिक शॉप्स पर जाना ही प्रेफर करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इनमें कोई बिजनेस आइडिया पसंद आया हो और आप अपने बिजनेस खोलने के सपने को पूरा कर पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।